वनाग्नि पर केंद्र सरकार मदद के लिए हाथ न बढ़ाती तो शायद ही प्रदेश के जंगलों में लगी आग कभी बुझ पाती। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि वन विभाग के पास मौलिक संसाधनों का भी टोटा है। विभाग के लोग झाड़ियों के सहारे आग पर काबू पाने की कोशिश में हैं। ये तस्वीरें कोटद्वार पौड़ी मार्ग की हैं। यहाँ जंगल में आग लग रही है जिसको बुझाने के लिए एक वनकर्मी के साथ एक नेपाली मजदूर झाड़ी से आग बुझाने की कोशिश में लगा हुआ है। ये हालात तब हैं जब बीते 7 दिन से कीर्तिनगर, चौरास और श्रीनगर में आग लगी हुई है। देर रात तक श्रीनगर के ऐठाना, चौरास के गोरसाली में जंगल आग से जल रहे थे। ये हालात तब हैं जब सूबे के वन मंत्री हरक सिंह रावत श्रीनगर में ही मौजूद हैं। ये आग लगी थी सर, सुबह 7 बजे करीब हम अपने काम में गए थे, काम की बात, उसके बाद आग आधा घंटे के बाद हमारे काम के पास आ गए थे। उसके बाद हम भागते भागते डेरे में आते हुए अपने हमारे अपने टेंट बचाने में हमें सबसे मुसीबत हो रहे थे, हमने अपने टेंट बचा कर अभी हम यहाँ पे बैठे। जंगलों में लग रही इस आग से वैज्ञानिक भी चिंता जताने लगे हैं। वैज्ञानिकों की माने तो इस साल आग लगने के कारण बारिश के स्तर पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। फॉरेस्ट फायर लगातार हो रहे हैं तो ये धुआं है, ये स्मोक की फॉर्मेशन में जो है अर्थ सरफेस के बहुत लेयर आ जाता है। लोअर सरफेस में आने के कारण जो है जो अर्थ सरफेस का टेम्परेचर है वो डे बाई डे इंक्रीज होगा, और जैसे ही हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे गर्मी जो है बढ़नी शुरू हो जाएगी, और इसका जो मेजर इम्पैक्ट जो होगा वो रेनफॉल के लिए लेकर के होगा, क्योंकि ये जो डस्ट पार्टिकल है एटमॉस्फेयर में जाते हैं और जो क्लाउड कंडीशन न्यूक्लियाई हैं जो कि जो है रेनफॉल के लिए बहुत रेस्पॉन्सिबल होते हैं, वो क्लाउड न्यूक्लियाई जो है सबसे ज़्यादा फॉर्मेशन होगा क्लाउड न्यूक्लियाई का, और जो रेनफॉल बनाएगा लेकिन उसमें जो डस्ट पार्टिकल होगा तो वो जैसे ही धूप को जो है एब्जॉर्ब करेगा, या जो मतलब ब्लैक कार्बन है धूप को एब्जॉर्ब करेगा, वो डस्ट जो है डस्ट जो ड्रॉपलेट नहीं बनने देगा, और इस केसेस में जो है डेफिनेटली रेनफॉल होगी लेकिन उतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए।